चल, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे और मैं आज आपको पावलोलेम बीच लेके जाना चाहती हूँ। तो अगर आप बस से आ रहे हैं फ्रॉम मारगांव, तो आप डायरेक्टली आपको 4 रास्ता करके इसमें आपको ना दिखाएंगे। अगर वहाँ पे नहीं तो डायरेक्ट बस स्टैंड पे उतरने के लिए जाएंगे। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट कारवार जाना है तो ना ये आप वो देख सकते हैं, यहाँ से कारवार ना 28 किलोमीटर है। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो ये देखो, यहाँ से आपको टर्न लेना है और सीधा जाना है। आप ना बस से आ रहे हैं ना, तो आपको यही इसी स्पॉट उतरने के लिए कहेंगे और उसी के राइट साइड में ना आपको टैक्सी और रिक्शा मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ मिलता है टैक्सी और रिक्शा। आपको रिक्शा दिख रहा होगा, यहाँ से आपको मुड़ना है और आपको लेफ्ट साइड में ना बहुत सारे होटल्स मिलना चाहेंगे, जैसे मल्लिकार्जुन कुल्फी होटल। ये जो टैक्सी जा रहे हैं वहाँ से एक ना रोड है पालोलेम को शॉर्टकट आने का, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कैसे है वो। अभी आपको ऐसे सीधा जाना है, जैसे बस जा रही है ना आगे, ऐसे सीधा जाना है। सीधा गए तो आप लोग पालोलेम बीच तक हो जाएंगे। यहाँ पे एक पार्किंग स्पॉट भी है पालोलेम में, जो भी बड़ी गाड़ियाँ आती है ना वो यहाँ पे ही रुकती है। यहाँ से ना पालोलेम का होटल स्टे भी स्टार्ट होता है, जैसे कि ये देखो आस्का गोवा। अभी उतनी गर्दी नहीं है टूरिस्ट की, पर जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा ना तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्दी होती है। देखो अभी शाम हुई है ना, लोग तैरने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं कितनी गर्दी है यहाँ पे। देखो ये है ना पालोलेम बीच का एंट्रेंस है और आगे ये बीच है। ये बीच वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच ऑफ गोवा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉलीडेज आने के कारण कितने लोग बीच पे हैं यहाँ पे। और ये बीच ना सी शेप बीच है, वहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। अभी मैं आपको ये बीच घुमाती हूँ, पहले मैं राइट साइड से आपको घुमाती हूँ, फिर मैं आपको लेफ्ट साइड से घुमाऊँगी। तो हम लोग चलते हैं। पहले ना आके राइट साइड में ना आपको लाइफ गार्ड दिखेंगे, यहाँ पे उनका ऑफिस है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये ना उनकी गाड़ी है, ये रेड और ब्लैक है ना, ये उनकी गाड़ी है। आपको कुछ हुआ तो आप उनको बता सकते हैं। और उसके पीछे बीच हाउस, ये सारे शेक्स है। सारे एक साइड में शेक्स है और ये जो आपको बोट दिख रहा है ना वो बोटिंग राइड है, आ सकते हैं। वो आपको 1 घंटे के लिए घुमाते हैं, पर पर्सन अपने चार्जेस होते हैं उनके। ये देखो ये ना, ये मछुआरों की बोट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी जालियाँ भी है। दिसंबर 31 को आएंगे ना तो यहाँ पे ना आप घूम ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। आपको मैं आके दिखाऊंगी 31 को, न्यू ईयर पार्टी होती है यहाँ पे, पूरी नाइट पार्टी होती है यहाँ पे। अगर आप पालोलेम बीच 1 दिन के लिए आते हैं बस देखने के लिए, तो आप शाम को जरूर आना, यहाँ पे सनसेट बहुत सुंदर दिखता है।
और सुबह आने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे सुबह ना बहुत ज़्यादा धूप होती है। ये देखो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं अभी, ये बच्चे यहाँ के होंगे लोकल्स। बोट राइड चाहिए तो आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, देखो उनका पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ये देवा कायक है, ये ना टिप ट्रिप एडवाइजर पे भी है उनका प्रोफाइल। देखो आप देख सकते हैं मछुआरे समुद्र में जाने के लिए जालियां और बाकी सामान तैयार कर रहे हैं। तो अभी ये ना बीच इस राइट साइड में एंड हो रहा है, और जैसे जैसे आप राइट साइड के एंड में जाएंगे ना, व्यू इतना खूबसूरत होते जाता है, यहाँ पे फोटो इतनी अच्छी आती है, और यहाँ पे ना एक रिवर और समुद्र मिल जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ आगे चल के, बिना समुद्र में लो टाइड चल रहा है, इसीलिए ना यहाँ पे पानी नहीं है। यूजुअली जब हम लोग पहले भी आते थे ना, यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता था हाई टाइड की वजह से। और यहाँ पे ना बहुत सारे शेल्स भी मिलते हैं। ये देखो कितने सुंदर डिजाइन बनाए हैं यहाँ पे, ये ना किसी एनिमल ने बनाए होंगे। देखो स्मॉल क्रैब है ना, वो करते हैं सब, वो नीचे से ना सैंड ऊपर लेके आते हैं। इतने सुंदर दिख रहे हैं ना ये सारे। ये देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये ना रिवर का पानी है और वो समुद्र का पानी है, ये ना यहाँ पे रिवर और समुद्र मिल जाता है। और ये देखो आप यहाँ पे ना सारे साइड में मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स के क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ना मैंग्रोव्स के प्लांट्स है जो हाई टाइड से हमें बचाते हैं। अगर आप बीच पे आते हैं ना तो यहाँ पे प्लास्टिक फेंके मत जाइएगा, थोड़ा क्लीन करके अपना जो भी प्लास्टिक आप लेके आए ना वो लेके जाइए। ये देखो यहाँ पे ना लोग जैसे टहलते हैं ना, अगर हाई टाइड हुआ ना ऐसे टहलने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो पानी बहुत आगे आ जाता है ना, इसलिए जैसे जैसे रात बढ़ेगी हाई टाइड बढ़ता जाएगा। आप ना इस कॉर्नर पे भी जा सकते हैं फोटोशूट के लिए, यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग ना प्री वेडिंग शूटिंग के लिए भी आते हैं। आपको ना अनिमन बीच, मंकी बीच और टर्टल स्टोन देखना है ना तो आप लोग सुबह आ जाइएगा, अगर आप सिर्फ सनसेट देखना है तो आपको शाम को आ सकते हैं आप लोग। देखो ये बीच कितनी बड़ी है, अभी मैं आपको ना लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगी, वहां पे ना तो बहुत सारे पत्थर है जो एक यूनिक टाइप का शेप बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ। अभी ना हाई टाइड शुरू हुआ तो देखो पानी कितना ऊपर आ रहा है। देखो जैसे शाम हो रही है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग ना सनसेट का मज़ा लेने के लिए आते हैं। और अभी ना एक लाइफ गार्ड भी अलर्ट हो चुके हैं क्योंकि गर्दी हुई है ना, इसीलिए अगर आप बीच घूमने आए और आप लोग घूम जाए ना तो आपको कैसे पता चलेगा आप एंट्रेंस पे हो या नहीं। देखो यहाँ पे एक पोल है ना, इससे पता चल जाएगा आपको आप लोग एंट्रेंस पे हैं करके। सारे स्ट्रे काउस है, शायद ये भी अपने बीच का मजा लेने के लिए आए हैं शाम को। इस साइड का मेन अट्रैक्शन पत्थर है, तो यहाँ पे भी आपको शॉप्स मिल जाएंगे।
ये ना भी टेबल्स डेकोरेट करें, यहाँ पे ना रात को कैंडल लाइट डिनर भी होता है। यहाँ पे आप किसी अपने के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर सकते हैं। रिटायर्ड होता है ना तब इस फ्लैग के आगे नहीं जाना होता है। इस साइड में आपको योगा रिट्रीट सेंटर, बॉडी मसाजेस के शॉप्स भी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे बीच खत्म होने को आया है और जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जाएंगे आपको पत्थर दिखने लगेंगे। यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। और मैं जिस पत्थर की बात कर रही थी ना, ये वही पत्थर है। यहाँ पे ना यूनिकली खड़े हुए हैं। और आप अगर यहाँ से उस साइड जाते हैं ना तो ठीक से जाना, यहाँ पे ना स्लीपरी है, जो उतना स्लीपरी है पर उतने स्लीपरी नहीं है। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे बोर्ड लगाया है स्लीपरी रॉक्स करके। और यहाँ से सेल्फी लेना भी मना है। वो एक बार फिर मैं आप पूरा भी दिखाती हूँ। ये देखो इसीलिए इसको ना सी टाइप सी कहते हैं, क्योंकि एक सी शेप का है। यहाँ यहाँ से होकर वहाँ तक ऐसे के नज़ारे और पावलन ब्रिज का सनसेट। अगर आप आना चाहते हो तो ज़रूर आना यहाँ पे देखने के लिए और यहाँ का नाइट सनसेट और नाइट लाइफ एंजॉय करके जाना। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो चुकी है अभी गाड़ियों की। अगर आप आना चाहते हो ज़रूर आना यहाँ पे देखने के लिए और नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए बीच पे। मैं अभी आपको सनसेट दिखाऊंगी, वो भी टाइम के साथ। शॉर्टकट कैसे जाना है मारगांव को। ये शॉर्टकट है जो हाईवे को टच होता है।
देखो यहाँ से टर्न लेना है। ये रास्ता ना आगोंदा बीच को जाता है। जाता है और यहाँ ये रास्ता ना मारगांव जाता है। तो मैं पालोलेम बीच का ट्रिप यहीं से एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर कर देना, सो देट आपके फ्रेंड्स बाकी सब यहाँ पे पालोलेम बीच का मज़ा लेने आ सके। बाय, मिलते हैं अगले ट्रिप में।